नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अनुकल्प पे। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आर्ट एंड कल्चर को। ठीक है, अब तक हमने राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की जो पॉलिटी है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इनकी दोनों की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने चैनल पे, वहाँ पे जाके आप ये सभी वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब तक हमने राजस्थान का इतिहास, ठीक है, इसके अंदर प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मॉडर्न राजस्थान का इतिहास और मध्यकालीन, ठीक है, हमने तीनों देखे हैं। उसके अलावा राजस्थान की जो पॉलिटी है उसका सिलेबस भी पूरा कवर हो चुका है, वो भी बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो अब यहाँ पे आज हम जो शुरुआत करेंगे वो हम शुरुआत करेंगे हमारे कला संस्कृति की। ठीक है, और ये कला संस्कृति का जो टॉपिक है वो हम 10 से 12 क्लास के अंदर पूरा कवर करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है, और आज हम जो क्लास जो शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे संस्कृति से, राजस्थान की संस्कृति। ठीक है, और संस्कृति के हम के अंदर आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो आज हम लेंगे लोक संगीत। ठीक है, लोकगीत जो हमारे हैं वो, उसके बाद में लोकवाद्य यंत्र वगैरह और नृत्य आभूषण से करते हुए हम हमारा टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसकी भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा चैनल पे, तो उसके बाद आपको प्रॉपर वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसके अंदर जो वीडियो है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं उन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और एनालिसिस करने के बाद जो वर्तमान में उनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं वो देखते हैं और उनका विस्तृत हम व्याख्या देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो पहला सवाल, पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1882 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो हमारे राजस्थान के अंदर जो अल्ला जिला बाई हैं मांड गायिका, और ये बीकानेर से निवास करती हैं, इनको इनका जो दूसरा नाम है वो बोलते हैं राजस्थान की मरुको किला। ठीक है, और इन्होंने गीत कौन सा गाया है, इन्होंने गीत गाया है केसरिया बालम। और इनको 1882 के अंदर इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और एक इम्पोर्टेंट है कि इनकी स्मृति के अंदर, इनकी स्मृति के लिए बीकानेर के अंदर एक मांड गायन समारोह का आयोजन अब होने लगा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, पूछ सकते हैं इसलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए प्रश्नों में से, बीकानेर की गायिका अल्ला जिला बाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी। तो हमने बात की मांड गायिका है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश को अल्ला जिला बाई ने किस राग में गाया है। ठीक है, तो ये जिस राग में गाए हैं वो मांड गायिका है, तो एक मांड जो राग है उसमें इन्होंने गाया है, और ये प्रश्न पूछा जाता कई बार। ठीक है, अगला देखते हैं, गौरी देवी, हमने देखा अल्ला जिला बाई, अब यहाँ पे हमारे सामने हैं गौरी देवी। तो राजस्थान के किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई हैं। तो गौरी देवी जो हैं ये पाली से बिलोंग करती हैं, और ये भी मांड गायिका ही हैं। ठीक है, और जो इनका संगीत का माहौल तालीम जो मिली है वो गौरी देवी जो भैरवी, भैरवी मांड गाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मारी वरसाले री मोमल हाले नी रे आली जे रे देख, ये जो नामक जो लोकगीत है वो किस क्षेत्र का है। तो जैसलमेर के अंदर श्रृंगारिक लोकगीत मोमल
मूमल में एक जगह है लोद्रवा जैसलमेर के अंदर, तो वहाँ की एक राजकुमारी मूमल की सुंदरता का जो नक और सिक का वर्णन है उसके लिए ये गीत है। तो ये जैसलमेर से लोकेटेड है, ठीक है, लोद्रवा, ठीक है, और मूमल के लिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया तो मेवाड़ का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें सुबटिया लोकगीत जो है एक भेलनी स्त्री द्वारा अपने जो हस्बैंड है उसको संदेश के रूप में गाया जाता है, ठीक है, ये विरह का गीत है, ठीक है, सुबटिया, ओके, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये क्या कि हमसीडो भीलों का एक लोकगीत है जो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है लांगुरिया लोकगीत, और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है लांगुरिया के बारे में। तो लांगुरिया के बारे में देखते हैं हम, तो गुजर जो जनजाति है उसके अंदर केला देवी जो है उनकी काफ़ी मान्यता है, ठीक है, और उनके मंदिर की जो प्रमुख विशेषता है वो है कनक दंडवत, ठीक है। इसमें भक्त जो हैं उनकी आराधना के लिए जो गीत गाते हैं वो है लांगुरिया गीत, ठीक है। और ये गीत कौन सा गीत है ये पूछा है, तो ये भक्ति गीत है, किनके लिए? केला देवी के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है फटेलिया बीछियो एवं लालर, ठीक है, ये क्या है? तो फटेलिया बीछिया और जो लालर है वो आदिवासियों के पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत। आगे देखते हैं, अगला है पावणा गीत कब गाया जाता है, ठीक है। तो हमारी जो संस्कृति के अंदर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो हमें जो हमारे जो कल्चर के अंदर ये काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हमें जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे ये जो पावणा जो गीत है वो किसी घर में जैसे ब्याह ब्याहे जाने वाले व्यक्ति के लिए, ठीक है, और उससे संबंधित गीत गाए जाते हैं, ये गीत पावणा गीत कहलाते हैं। और ये कब गाए जाते हैं? तो ये गीत जब उस समय भोजन करते हैं उस समय गाए जाते हैं, जिन्हें मतलब कि हम मीठी गाली भी दी जाती है, ठीक है, ये हमारे एक जो राजस्थान का जो कल्चर है उसके अंदर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा ससुराल में जवाई के आगमन पर, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि जैसे खाने के दौरान या तो अलग अलग ऑप्शन में चेंज हो जाए, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, झोरावा लोकगीत का संबंध है, झोरावा जो लोकगीत है क्या है? तो जैसलमेर में जो अपने हस्बैंड के परदेश जाने पर, ठीक है, उनके विरह के योग में गाए जाने वाला जो गीत है वो है झोरावा गीत, ठीक है, ये जैसलमेर के अंदर है। इससे पहले हमने बात की थी मूमल के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं होलार, होलार जो राजस्थानी लोकगीत में जो किस अवसर पर गाया जाता है, तो होलार किस संबंधित है? तो होलार जो है शिशु का जन्म होने से है उनको होलर ऐसे इस नाम से बच्चों को बोलते भी हैं। तो ये जो पुत्र का जन्मोत्सव है जच्चा या होलर जो भी है, ठीक है, उसमें मंगल गीत या सामूहिक गीत उनके लिए है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन चेंज हो जाए तो भी ध्यान रख सकते हैं आप, होलर संबंध किससे हैं? शिशु के जन्म से, ठीक है, ये मंगल गीत है, सामूहिक रूप से गाया जाता है। इसके अलावा जच्चा भी आ जाए ऑप्शन में तो वह भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। आगे देखते हैं, जला जला जो गीत है वो गीत कब गाया जाता है? स्त्रियों द्वारा, ठीक है। तो ये जो गीत है वो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, ठीक है, तो जैसे विवाह के अंदर बारात का डेरा देखने के लिए
वधु पक्ष के तरफ जो स्त्रिया द्वारा जो गीत गाया जाता है वो है जला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं को जब भी आप एग्जाम में जाएं तो अंडरलाइन कर लें या फिर राउंड कर लें, क्योंकि एक छोटी सिली मिस्टेक के कारण हम बहुत बार क्या गलती कर देते हैं। ठीक है, तो जो पर्वत जो है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुर्चा। जो कुर्चा है वो प्रवासी पक्षियों का को आधार बनाकर एक वियोग गिनी जो स्त्रियां हैं, ठीक है, वो उनके द्वारा गाया जाता है और ये विरह का गीत है। ठीक है, और अगर हम बात करें कुकुरचा की तो इनका जो बोल है वो कुछ इस प्रकार है, कुर्जा एक मारो भंवर मिलाओ ये। ठीक है, अगला देखते हैं ओलियो। ओलियो जो राजस्थान का लोक जीवन के किस अवसर संबंधित है? ओड़ियों। ठीक है, तो ओड़ियों जो है वो होली पर किए जाने वाला लोक नृत्य है। ठीक है, सॉरी विवाह। ठीक है, तो विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा बेटी की जो विदाई होती है, ठीक है, उस पर घर की जो स्त्रियां हैं अपना मन हल्का करने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं ओड़ियों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, पूछ सकते हैं ओड़ियो। मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल, ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपको मैं इम्पोर्टेंट ही डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पूछा है मान कौतूहल किस विषय वस्तु पर है? ठीक है, तो ये हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय गायन के रागों का जो संकलन है वो है मान कौतूहल। ठीक है, तो क्या होता है, एक ध्रुपद जो गायन शैली है, ठीक है, उससे संबंधित है ये। मान जो कौतूहल है, इस ग्रंथ की रचना जो है वो की थी मान सिंह ने। ठीक है, और ये शास्त्रों का मर्मज्ञ चिंतक और लेखक था, ठीक है, मान सिंह जो है इनके लिए। ठीक है, मान कौतूहल के बारे में ध्यान रखना, मान कौतूहल ध्रुपद गायन की शैली संबंधित है। ठीक है, और किसने लिखा? मानसिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रागमंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो हम देखते हैं कि जो राजा मानसिंह के जो छोटे भाई हैं उनका नाम था माधव सिंह। ठीक है, माधव सिंह। ठीक है, और उनके आश्रम में पुंडरीक विट्ठल एक नाम मैंने बात की है। पहले हम राजस्थान जब हिस्ट्री जब देखे थे तो वहाँ पे पुंडरीक विट्ठल के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो उन्होंने रागमाला, रागमंजरी, रसमंजरी ऐसे ये नामक जो संगीत के जो ग्रंथ हैं उनकी रचना की थी। तो इसके अलावा क्या होता है कि मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय के अंदर एक हस्तकार, ठीक है, रत्नावली, हस्तकार रत्नावली नामक एक संगीत ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, और कवि जो पुंडरीक विट्ठल हैं उसने जो नर्तक निर्णय, नर्तक निर्णय, इनके अलावा ब्रिज कलानिधि, राग चंद्रसेन आदि के ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप जो भी नाम मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, अगला देते हैं, राग कल्पद्रुम की रचयिता कौन है? ठीक है, तो राग कल्पद्रुम जो है उनके हैं कृष्णानंद व्यास, और इनके जो राग रत्नाकर है उसमें संग्रहित है ये। ठीक है, ध्यान रखना राग रत्नाकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नर्तक नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो अब हम जो संगीत के घराने हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ताकि थोड़ा हमें ध्यान रहे। तो यहाँ पे रह जाएगा भानुजी महाराज। ठीक है, अब जो हम बात करें तो जयपुर घराने के अंदर तो मनरंग या फिर भूपत खान,
ठीक है, वो है। उसके अलावा डागर जो घराना है, ठीक है, उसके अंदर बैराम खान डागर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो सोनिया घराना है, उसके अंदर तानसेन के जो पुत्र हैं सूरत सेन, वो है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, सोनिया घराना किसका है, वो है सूरत सेन, ठीक है, और ये किसके पुत्र हैं, तानसेन के। उसके अलावा रंगीला घराना जो है रमजान खान, मियाँ रंगीले, ठीक है, इनसे। उसके अलावा एक है ये जयपुर का कत्थक घराना, ये फानूजी महाराज, ठीक है, इनसे है। इनके अलावा एक और है मेवाती घराना, वो है उस्ताद गगरे नीरज नज़ीर खान, सॉरी गगे नज़ीर खान, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। पंडित जसराज का संबंध किससे है, इनका मेवाती के घराने से है पंडित जसराज का, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था, तो उमर जो फारूकी हैं इनका संबंध है संगीत क्षेत्र से, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी के श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, नहीं है की बात हो रही है। तो यहाँ पे है ध्रुपद, जो ध्रुपद गायकी का जो आरंभ है वो हुआ था मानसिंह तोमर के शासनकाल में। तो राजस्थान में सर्वप्रथम बैराम खान जो महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे, ठीक है, बैराम खान। तो इस गायकी का प्रचार किया उन्होंने, और इन्होंने जो घराना विकसित किया वो था डागर घराना, ठीक है। मैंने अभी बात की थी डागर का घराना बैराम खान डागर ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ख्याल के लिए जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे। जयपुर घराना जो है वो है मनरंग जो कि भूपत खान है, ठीक है, वो। तो इस जो इनकी जो ख्याल की जो गायन शैली का जो घराना है उसमें क्या है कि जो दिल्ली के घराने के जो प्रवर्तक रहे हैं उसका नाम था सदरंग, जो पुत्र हैं वो सदरंग खान, ठीक है। और इसकी जो उपशाखाएं क्या है वैसे पूछ सकता है कभी, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो इनकी उपशाखाओं में अगर बात करें तो उसमें आता है एक पटियाला घराना, ठीक है, और इनके जो प्रवर्तक हैं उसका नाम है फतेह अली एवं अली बख्श, ठीक है। उसके अलावा एक आता है अतरौली घराना साहब खान, ठीक है, ये हो गया। गोहरहारी डांगुरी खंडारी का संबंध किससे है, ठीक है, तो ये ध्रुपद गायकी से है, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई प्रश्न आए तो आपको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो चारों जो शैलियाँ हैं, तीन, सॉरी तीन, और चौथी है इसके अंदर नाम नोहार, ठीक है, नोहार। तो ये चारों जो श्रेणियां हैं ये मध्यकालीन में ध्रुपद की शैलियां हैं, ठीक है। गोहरवारी जो वाणी है ये शैली, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ग्वालियर से, ठीक है, और इसके प्रवर्तक कौन थे, तानसेन, ठीक है। इसके अलावा खंडारी ये उनियारा राजस्थान, ठीक है, और इसके जो किसके साथ शासक था उस समय शासक था सम्मोहन सिंह, उस ये इनके प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डागुरी, इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक हैं बृजनंद डागर, ठीक है। और लास्ट में हमने बात करते हैं नोहार वाणी, इसके जो हैं वो हैं चंद नोहार, ठीक है, श्रीचंद नोहार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार जो है उसकी रचयिता थी, ठीक है। तो जयपुर के जो शासक हैं प्रताप सिंह, उनके संरक्षण में जो
देवर्षि ब्रजपाल भट्ट जो है उन्होंने राधा गोविंद संगीत साल है इसकी रचना की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, देवश्री ब्रजपाल भट्ट किसके शासनकाल में? प्रताप सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि 22 कवि 22 ज्योतिषी 22 संगीतज्ञ और 22 विषय के विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईस ही? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है और ये आपको पता होना चाहिए और ये ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित हम और भी बात करेंगे। तो जयपुर के सुशासक हैं प्रताप सिंह, ठीक है, उनके शासनकाल में ये 22 कलाकार 22 ज्योतिषी 22 संगीतज्ञ 22 विषय के विशेषज्ञ, ठीक है, तो उनको क्या कहते थे इन सबको? इनको कहते थे गुणीजन खान, ठीक है, एक तो इम्पोर्टेंट ये होता है गुणीजन खान, ठीक है। इसके अलावा वो जो प्रताप सिंह जी हैं जो स्वयं भी काव्य की रचना करते, वो किस नाम से करते थे? तो वो करते थे ब्रज निधि के नाम से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रताप सिंह, गंधर्व बाई सिंह, गुणीज खान और ब्रज निधि, ठीक है। तो यहीं पे हमारे आज क्लास संस्कृति के अंदर गीत संगीत लोकगीत संगीत के जो प्रश्न हैं वो यहीं पे समाप्त होते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।